नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मचे घमासान पर क्राउन टाइम्स की विशेष कवरेज। इस वक्त मैं हूं चंदौली लोकसभा में, जहां आपसे थोड़ी देर पहले एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था, जो सरदार सेना की ओर से आयोजित की गई थी, जिसमें इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बीरेन सिंह के पक्ष में मतदान की अपील किया गया। धर्म की चाशनी में धर्म का हीरोइन और अफीम पिला के इस देश को बेवकूफ बनाते रहिएगा कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए अनुप्रिया पटेल और मोदी जी जहां जहां समाज के साथ अनायास अत्याचार करते हैं, उन सब पर सरदार सेना चोट पहुंचाने के लिए तैयार। सरदार पटेल चौराहा मलदहिया मोदी जी ने नहीं लगवाया है, मोदी जी ने एक काम किया, मैं बताता हूँ। सरदार पटेल जी की मूर्तियों पर माला, उनके विचारों पर ताला, इस आरएसएस के लोगों ने भारत को बर्बाद कर डाला। दुनिया का सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाला स्टेडियम सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद का नाम बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना दिया। यह सरदार पटेल के लोगों के साथ धोखा है, यह सरदार पटेल के साथ धोखा है, और उस धोखेबाज का नाम नरेंद्र मोदी जी है। बुलाएंगे तो माननीय मंत्री साहब को आना ही आना पड़ेगा, वो इसलिए आएंगे क्योंकि आपको प्यार करते हैं। और आपसे दोबारा बता दूं, ये देखिए जाएंगे ना दिखते हुए भी आपको दिखना ही स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, एक मन में और सवाल होगा, ये हुआ कैसे राम, बता दूं? चलिए बता देता हूं, मंत्री साहब के साथ कितने लोग बैठे हैं, किसको दिया जाए, माननीय मंत्री साहब या किसी और को दिया जाए? बोलिए जल्दी बोलिए, भैया आपको दे रहा है, हालांकि मैं आपको देखा नहीं हूँ। 527 हो रहा, ऐसे पकड़े लिए 527 हो रहा, एक माइक भैया को दे दीजिएगा। और यहां से देखिए परिवर्तन कर रहे हैं, देखते रहिए टाइम, देखते रहिए, अगर टाइम चेंज होगा तो बताइएगा। भैया मैं एक हाथ में माइक पकड़िए, जब बता छोड़ा तो मजा, भैया माइक को बताइए कुछ अंतर आया? हालांकि अभी भी जादू नहीं है, यह हाथों का कमाल है, दिमाग पलटने का कमाल है, लेकिन मजबूरी है कि मैं जाके पेटी में बदल नहीं सकता, क्योंकि वो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की खूबसूरती है कि वो अगर अपने से जो जीते अपने से कम माना जाता है, ताकि लोकतंत्र है। उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे, इस क्षेत्र के पितामह कहे जाने वाले, विकास दूत कहे जाने वाले, लोकसभा चुनावी जनता के वर्तमान प्रत्याशी, हम लोगों के गार्जियन स्वरूप माननीय श्री बीरेन सिंह जी, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के आज पधारे हुए अपराए हुए सभी सम्मानित पदाधिकारी गण, जिले के प्रदेश के और सरदार सेना सम्मानित संगठन के सभी पदाधिकारी गण, प्राण साथियों, सरदार सेना द्वारा माननीय बीरेन्द्र सिंह जी के समर्थन और सहयोग में यह कार्यक्रम रखा गया है। आज जो देश के वर्तमान हालात है वो हम किसी से छुपे हुए नहीं है। आज देश की स्थिति जो है एकदम चिंतनीय होती जा रही है, विकट होती जा रही है। अगर अब भी हम लोग नहीं चेते, नहीं सोचे, तो आने वाला समय बहुत ही बुरा हो जाएगा। के हाथों को मजबूर करने के लिए, दिल्ली के सदन में भेजने के लिए देश के सबसे क्रांतिकारी नेता, हम सबके चहेते युवाओं के सिरमौर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी के रूप में आपके सबके बीच में भेजा है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और Yeah.
भाई राजेश सिंह यादव जी हमारे बगल में बैठे हुए सबसे बुजुर्ग प्रधान आदरणीय बलवंता जी, हमारे अजगरा से चुनाव लड़ चुके भाई सोनकर जी, आई हमारे प्रधान घनश्याम पटेल जी, हमारे भारत बनाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की संतान आज हमारे सामने बैठी हुई है और मैं बधाई दूंगा अपने राज्य सरकार को कि सरदार पटेल जी के नाम पर जो आप लोगों ने ये पार्टी बनाई है, जो सामाजिक संगठन बनाया है, मैं आपको इस बात के लिए बधाई दूंगा कि जब देश में आजादी के बाद जब पहले गृह मंत्री के रूप में माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने आरएसएस को पहचाना और 1948 में उन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया। यदि सरकार में आती है, यदि वो सियासत में आएगी, तो जितनी मेहनत करके 562 रियासतों को जोड़ करके अखंड भारत हमने बनाया है, ये आरएसएस के लोग इसको खंड खंड करके फिर से गुलामी की तरफ भारत को भेजने का काम करेंगे। सबके निर्माण में आप सभी साथियों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आप कर्म योगी हो, आप कमेरा समाज के हो, आप जमीन खोद करके अन्न पैदा करते हो और उस अन्न से देश का पेट भरने वाले साथियों हो। यहाँ के बच्चों का भविष्य हो रहा है साथियों, उसे देश चौधरी की जनता ने ठान लिया है, यह भी सांसद को बदलना पड़ेगा। जब तक चंदौली से सांसद महेंद्र पांडे को बदलेगा नहीं चंदौली, तब तक चंदौली का विकास नहीं होने वाला है। महात्मा गांधी के साथ देकर के उचित तरीके से इंडिया गठबंधन और समाजवादी का साथ देकर के सरदार पटेल के वंशज डॉक्टर हरीश पटेल जी के नेतृत्व में सरदार सेवा वही भूमिका अदा कर रही है साथियों, इस निवेदन के साथ स्वीकार कर समाप्त करना चाहता हूँ। एक जून को मत बुलाइएगा, हमारी माताएं बहने याद जरूर रखिएगा, आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है, आपके बच्चों के नौकरी का सवाल है, आपके बच्चों की खुशहाली का सवाल है। एक जून को भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराने के लिए इस झंडे पर लगा साइकिल चुनाव चिन्ह पर मतलब दबा करके भारतीय जनता पार्टी को हरा करके यहाँ से भेजने का काम करिए। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सरदार सेना, जय इंडिया गठबंधन, जय समाजवाद। इस वक्त हमारे साथ हैं चंदौली से लोकसभा प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के बीरेंद्र सिंह। बीरेंद्र जी, कैसा माहौल, किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, चुनाव तो जनता लड़ रही है और ये वो जनता है जिसको 10 सालों से हमारे सांसद जी ने केवल ठगा ही है, झूठ बोल करके, वादे करके, झूठे वादे करके उनको आशा पर निराशा उनके अंदर जगाया है। हमारे नौजवान बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, हमारा किसान बेहाल है और लोगों को आशा थी कि जैसे पंडित कमलापति त्रिपाठी जी चंदौली क्षेत्र के कैबिनेट मंत्री थे, वो विकास किए थे, महेंद्रनाथ पांडे जी जो है कैबिनेट मंत्री दो दो बार हुए हैं, वो उन्हीं के तर्ज पर चंदौली के किसानों, गरीबों, नौजवानों के लिए काम करेंगे और विकास करेंगे। लेकिन इतनी निराशा लोगों में हुई कि भारी उद्योग मंत्री रहते एक छोटा सा कारखाना भी उन्होंने नहीं बनाया और तमाम हर घर, कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में बेरोजगार बच्चे घूमने रहे हों, कोई ऐसा किसान नहीं है जो आज परेशान न हो, क्योंकि जो नहरों का जितनी लंबाई जो है पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने रखा था, उससे एक मीटर आगे तक किसी ने बढ़ाया नहीं। आज वो शिक्षा मंत्री थे,
एक तो प्राइमरी एजुकेशन का सेंटर नहीं खोला, कौशल विकास मंत्री थे, चाहते तो हजारों हजार लड़कों को ट्रेनिंग करा करके दिल्ली मुंबई और जो है बेंगलोर में इंजीनियरिंग और जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना करके उनको रोजी रोजगार की व्यवस्था कर देते। लेकिन चूंकि जो एक कहावत है कि जाके पैर न फंसे बिवाई ते का जाने पीर पराई, जो परिवार का दर्द नहीं जानता उसको परिवार के बेरोजगारी के दर्द और किसानों के जो है कि गरीबी का दर्द, नौजवानों का दर्द क्या महसूस होगा। बीरेन जी, आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन जब चुनाव आएगा तो उसमें अयोध्या में राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम के भव्य और दिव्य मंदिर का लोकार्पण, कृष्ण जन्मभूमि, इस तरह के मुद्दे जो सामने आएंगे इसका जवाब आप कैसे देंगे? उस कांग्रेस की बात कर रहे हैं जिसने राम मंदिर का विरोध किया है, उस पार्टी की बात कर रहे हैं जिनने कार सेवकों पर गोली चलवाई है, इसका जवाब आप कैसे देंगे? देखिए, जो आदमी सत्ता में रहता है तो कानून मेंटेन करने के लिए थोड़े बहुत कार्रवाई होती है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँ तो इन्होंने क्या किया है? क्या रोटी जो है कि राम से रोटी मिल जाएगी? और रोटी दिखा करके रोजगार छीनने का जो काम किया है इसको क्या जनता भूल जाएगी? क्या वो नौजवान जो आज सड़कों पर घूम रहा है, 2 करोड़ नौजवानों को रोटी देने की, रोजगार देने की बात कहे थे, क्या वो रोजगार मिल गया? बल्कि 4 करोड़ हर साल बेरोजगार लड़के पैदा हुए हैं और जो आज नौकरी की परीक्षा में ओवरएज हो रहे हैं और ओवरएज होने के कारण निराशा की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका जवाब दे कौन होगा? लेकिन सरकार तो करी, हमने रोजगार भी दिया है और प्रदेश में जो गुंडा राज था उसको ख़त्म कर दिया, विजय मिश्रा हो, अतीक हो, मुख्तार अंसारी हो, सबको मिट्टी में मिला दिया और उसी मुख्तार अंसारी को शहीदों का मसीहा बताया जा रहा है, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? बनारस के जो लोग माफिया हैं तो उनके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं आप ही से सवाल पूछता हूँ, उनको मिट्टी में मिलाया कि आसमान पे बैठा दिया कि गद्दी पर बैठा दिया, इसमें सवाल नहीं करेंगे क्या? मोदी जी का नारा है 400 के पार और यूपी में सपा साफ कांग्रेस साफ, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो बड़ बोलेपन की बात है, हकीकत जमीन पर आएंगे तो समझ में आ जाएगा कि जनता किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से लखेदने में लगी हुई है। मैंने इस बार आपका एक कहना है, जैसे पिछली बार महेंद्र पांडे को महज 13,000 वोटों से जीत मिली थी, इस बार क्या साफ होना है क्या उनको? महेंद्र, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं भारतीय जनता पार्टी को कह रहा हूँ कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से साफ है। इस वक्त हमारे साथ हैं सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. पटेल। डॉक्टर साहब, आज आपने इतनी बड़ी सभा किया यहाँ पे, लेकिन कुर्सियाँ पूरी खाली रहीं, पटेल समाज कहाँ जा रहा है? अनुप्रिया पटेल के साथ की आपके साथ यह कहना कि कुर्सियाँ खाली रहीं, मुझे नहीं लगता कि कुर्सी खाली कहीं थी, 2-4 कुर्सियाँ तो हर, देखिए मीडिया का काम यही है, मीडिया क्या करता है, असलियत की चीज़ को उनको ग्रिप करने के बजाय हम कुछ और दिखाते हैं। 2-4 कुर्सियाँ खाली हर कार्यक्रम में होती है और ये समय किसानों का है, शाम का समय है, फसल का टाइम होता है और कार्यक्रम में 2 चीज़ें थी, ध्यान से समझिएगा, कार्यक्रम था 5 बजे का, लेकिन 1.5 घंटे के अंदर ये सूचना आई कि माननीय प्रत्याशी महोदय कार्यक्रम 5 बजे कहीं और इमरजेंसी है, कोई घटना हो गई है इसलिए वहाँ जाना है, तो कार्यक्रम 4 बजे हो गया। इस कारण जो थोड़ी सी कार्यक्रम में आपाधापी दिखाई दिया, ये कहीं भी होता है। रही बात की पटेल समाज कहाँ जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा, सरदार सेना मतलब होता है सरदार माने नेतृत्वकर्ता और सेना मतलब फौज, सरदार सेना मतलब होता है नेतृत्वकर्ताओं की फौज। अनुप्रिया जी और सरदार सेना का कंपेरिजन करना, ये सरदार सेना एक सामाजिक संगठन है और अपना दल एक पॉलिटिकल दल है। सरदार सेना सामाजिक मुद्दों पर जब मोदी जी और अनुप्रिया जी के गठबंधन ने इस देश के सामाजिक मुद्दों पर चोट पहुंचाया, तो सरदार सेना की जिम्मेदारी बनती है कि भारतीय जनता पार्टी, NDA, अनुप्रिया पटेल और मोदी जी जहां जहां समाज के साथ अनायास अत्याचार करते हैं उन सब पर सरदार सेना चोट पहुंचाने के लिए तैयार रहती है। पूरे देश में सबसे बड़ी अगर पटेल की किसी ने मूर्ति लगवाया है तो वो मोदी जी ने लगवाया, बनारस में अगर पटेल चौराहा मलैया पर है तो मोदी जी ने किया, पटेल के नाम पे वो जितनी बड़ी राजनीति कर रहे हैं उसी राजनीति में आप भी सेंधमारी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपको करेक्ट कर दूं,
सरदार पटेल चौराहा मलदहिया मोदी जी ने नहीं लगवाया है। मोदी जी ने एक काम किया, मैं बताता हूँ, सरदार पटेल जी की मूर्तियों पर माला, उनके विचारों पर ताला, इस आरएसएस के लोगों ने भारत को बर्बाद कर डाला। सरदार साहब की मूर्ति जानते कब लगी है, जो बड़ी वाली बात करते हैं आप, वो 14 में उन्होंने घोषणा किया था 13 में कि हम लगवाएंगे, देश के पटेलों से लोहा मांगा और वो लोहा मांग के बेच दिया और चाइना से मूर्ति लिया के चाइनीज मूर्ति लगवा दिया। एक बात तो यह है। दूसरा, सरदार पटेल के विचारधारा के लोगों को बेवकूफ़ बनाया, वोट ले लिया सरदार पटेल के नाम पर, तो काम तो करना पड़ेगा। मूर्ति चाइनीज लगवा दिया और जानते बदले में क्या किया मोदी जी ने, मोदी ने सरदार पटेल के विचारों पर मूर्ति पर माला और विचारों पर ताला। और दूसरी बात सुन लीजिए, आपने वोट तो लेके हमारे समाज को सरदार पटेल के विचारधारा के लोगों को बेवकूफ बना दिया और बदले में क्या किया, दुनिया का सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाला स्टेडियम सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद का नाम बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना दिया। यह सरदार पटेल के लोगों के साथ धोखा है, यह सरदार पटेल के साथ धोखा है और धोखेबाज का नाम नरेंद्र मोदी जी है। लेकिन जब चुनाव आएगा तब तो वो राम मंदिर कहेंगे, विश्वनाथ धाम की बात करेंगे, कृष्ण जन्मभूमि की बात करेंगे और वो सब सारी चीज़ें एकदम बिखर जाएंगी और फिर हिंदू मतों का जो ध्रुवीकरण होगा उसमें पटेल समाज हो चाहे कोई समाज उनके साथ हो जाएगा। किसके साथ? मोदी के साथ। अब मैं आपको एक बात बता दूं, धर्म की चाशनी में धर्म का हीरोइन और अफीम पिला के इस देश को बेवकूफ़ बनाते रहिएगा। हम आपसे भी और जनता से आपके माध्यम से 2-3 सवाल केवल कर लेते हैं। पहला, मोदी जी ने मुद्दे की बात कर लो भैया, जरा आप मुद्दे पर आए थे, आपने कहा था हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, 10 साल हो गया, वो 20 करोड़ नौकरी कहाँ गई? अगर 20 करोड़ लोगों को नौकरी आप देते, इसका मतलब 140 करोड़ आबादी का देश है, 7 लोगों का अगर परिवार मान लिया जाए तो हर परिवार में एक सरकारी नौकरी हो जाना चाहिए था। मोदी जी ने सरकारी नौकरी तो दिया नहीं, लेकिन 12 करोड़ से ज़्यादा इस देश की सरकारी संस्थानों की जो नौकरियाँ थी मोदी जी ने समाप्त करके युवाओं के पेट पर लात मारा है। इस बार युवा EVM पर चोट मार करके और कमल के फूल को मुरझवा करके साइकिल और इंडिया गठबंधन को आगे ले जा रहा। दूसरी बात सुन लीजिए, बनारस का क्या, बनारस में मोदी चुनाव जीतेंगे कि नहीं पहले बताएं। ये एक समस्या है हमारे मीडिया के साथियों का कि सवाल जब होती है तो उसको पूरा नहीं होने देते। मैं एक बात और कह दूं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, फिर वही बात है, उन्होंने कहा था महंगाई डायन है, 300 रुपया बिजली का बिल जब आता था हमारे 5 हॉर्स पावर का तब महंगाई डायन थी और आज 1200 रुपया हो गया महीने का, तो महंगाई परी हो गई क्या? 300 रुपये का सिलेंडर मिलता था हमारे गरीबों को तो महंगाई डायन थी और जब सिलेंडर 1200 रुपये का हो गया तो महंगाई नरेंद्र मोदी जी की परी हो गई क्या? करोड़ों लोगों को राशन दे रहे हैं, उसके बाद उनका कहना प्राइवेट जितनी नौकरियां हैं इतने लोग हम लोगों ने नौकरी दे दी, बड़ी बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में ऐसा राज हो गया है, गुंडे माफिया सब भाग गए हैं, अब रोजगार ही रोजगार है। मेरे भाई, फिर मैं एक बात आपको कह देता हूँ, सरदार पटेल ने जो काम किया था उस पर आ जाता हूँ। आपको बता दूँ, सरदार पटेल साहब ने आज़ादी के बाद इस देश के तमाम प्राइवेट संस्थानों का राष्ट्रीयकरण किया। सरदार पटेल ने उस जमाने में टाटा का जो एयरलाइंस था उसको इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया के नाम से कराया और टाटा वालों ने इस देश के लिए सौंप दिया। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की जो सरकारी संस्थान थी उसको बेच करके प्राइवेट हाथों में दे दिया। आपको मालूम हो 31 राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज UP से जो राजकीय कॉलेज था पॉलिटेक्निक का जिसका फीस 10,000 रुपये साल का आता था, गरीब का बेटा JEE बन जाता था, आज मोदी जी ने उसको प्राइवेट हाथों में बेच दिया और अब उसका फीस 1,00,000 रुपये हो गया। अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ मेरे भाई, गरीबों का बेटा JEE कब बनेगा? गरीबों का बेटा इंजीनियर कब बनेगा? और कब जब 10,000 रुपये नीट का CPMT और PMT का ईयर का फी होता था, आज 2,00,000 रुपया हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, मोदी जी आप तो अमीरों के सौदागर हो। लेकिन वो गरीब प्रधानमंत्री हैं, वो तो कहते मैं चाय बेचने वाला हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ तो गरीब की बात वो करते हैं, आप भी उसी गरीब में हैं। अब मैं आपको फिर एक सवाल कर दूं, नरेंद्र मोदी जी कभी गरीब थे ही नहीं, नरेंद्र मोदी जी सवर्ण जाति के जनरल कैटेगरी में आते थे 2002 के पहले, वो जब मुख्यमंत्री बने तो अपने जाति को OBC कैटेगरी में डाल दिया। अरे कब तक मूर्ख बनाओगे भैया, ये देश और OBC का हिस्सा कब तक खाओगे भैया? इस देश में SC ST समाज और PDA का जो समाज है वो अपना अधिकार मांगता है। नरेंद्र मोदी जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बनारस के सांसद जी, इस बार आपका
जो ये इंडिया गठबंधन और पीडीए गठबंधन का, समाजवादी गठबंधन का और सरदार सेना के लोगों की जो हवा चल रही है, याद रखिएगा ये हवा नहीं, ये लहर है, ये इंडिया का लू चल रहा है और कमल का फूल मुरझा गया है। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।